और अब बात करते हैं योगी सरकार में राज्य मंत्री दिनेश खट्टिक की, जिनके नाम से इस्तीफे वाली चिट्ठी सुबह से ही सोशल मीडिया पर छाई रही। इस चिट्ठी में सबसे बड़ी बात थी इस्तीफे की वजह, क्योंकि आरोप लगाया गया कि उनके दलित होने की वजह से अधिकारी उनके साथ भेदभाव करते हैं, न तो उनको कोई बात बताई जाती न ही उनके निर्देशों का पालन होता है। चिट्ठी वायरल होने के बाद दिनेश खट्टिक दिल्ली पहुंच गए। अब सबकी निगाहें इस मामले में ये है कि आगे होगा क्या, क्या दिनेश खट्टिक अपना इस्तीफा वापस लेंगे या फिर कुछ और ही भविष्य नजर आएगा। दिनेश खट्टिक के इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी, सोशल मीडिया पर वायरल चिट्ठी का फ्री हैंड कनेक्शन। यूपी में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल को अभी 100 दिन ही पूरे हुए हैं, लेकिन जिस तरह से दिनेश खट्टिक ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया उससे सूबे की सियासत गर्मा गई, क्योंकि जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री दिनेश खट्टिक ने न सिर्फ इस्तीफा दिया बल्कि उनकी चिट्ठी भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही, जिसमें दिनेश खट्टिक ने कई आरोप लगाए हैं। जैसे विभागों में उनके आदेश पर काम नहीं होता, आरोप नमामि गंगे योजना में भ्रष्टाचार, बैठकों की जानकारी न मिलना, अफसरों की शिकायतों पर सुनवाई न होना, दलित होने की वजह से भेदभाव होना, ट्रांसफर पोस्टिंग में वसूली होना। दिनेश खट्टिक ने यह चिट्ठी गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी और राजभवन को भेजी है। कोई विषय नहीं है यार, जिस तरह की जानकारी मिल रही है, कोई विषय नहीं है। इस्तीफा दिया या नहीं भाई? इस्तीफा दिया भाई, कोई विषय नहीं। लेकिन जिस अंदाज में दलित होने पर भेदभाव की बात कही गई उससे सूबे की सियासत गर्मा गई, क्योंकि विपक्ष ने सूबे की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जहां अखिलेश यादव ने ट्वीट कर इसे दलितों का अपमान बताया, वहीं मायावती ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री ने आज, जो कि स्वयं दलित समाज से, पिछड़े समाज से आते हैं, शोषित समाज से हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ये इल्जाम लगाते हुए कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में करप्शन बे इंतहा सीमा पहुंच गया है, कोई सम्मान नहीं मिल रहा, अफसरशाही बेलगाम हो गई है, सरकार पूरी तरह से फेल है, दलितों की, पिछड़ों की, गरीब की, वंचितों की, जिसकी जायज जो आवाज है उसकी सुनवाई नहीं हो रही, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। यूपी के सियासी गलियारे में ऐसी चर्चा है कि सबको फ्री हैंड चाहिए, क्योंकि कहा जा रहा कि दिनेश खट्टिक विभाग में काम का बंटवारा न होने से नाराज थे और उनकी नाराजगी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने सरकारी गाड़ी और सुरक्षा भी छोड़ दी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस इस्तीफे को लेकर सूबे का सियासी पारा चढ़ा है उसकी पुष्टि न तो मुख्यमंत्री कार्यालय ने की और न खुद दिनेश खट्टिक ने। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।